नमस्कार दोस्तों, हम लोग एमबीएस टीजीटी साइंस 2019 का पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें से हम कुल 40 प्रश्नों को फुल डिटेल के साथ हल कर चुके हैं, जहां मैंने हर प्रश्न के चारों ऑप्शन को भी सॉल्व किया है। अब हम अपने आगे के प्रश्नों को हल करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या होता है। चूंकि हम जानते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ के अकॉर्डिंग जो सम ऑफ वोल्टेज होता है, सम ऑफ वोल्टेज या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस इन क्लोज्ड नेटवर्क में होता है इक्वल टू जीरो, मतलब किसी भी लूप के अराउंड जो वोल्टेज राइज होता है वो इक्वल टू होता है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लूप। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहता है कि सम ऑफ वोल्टेज या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन ए क्लोज नेटवर्क इज इक्वल टू जीरो। तो हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं। इसका पहला ऑप्शन है वोल्टेज इन एनी डीसी सर्किट इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो ये रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन है करंट इन ए सीरीज डीसी इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय पावर, तो ये भी रॉन्ग हुआ। तीसरा ऑप्शन है वोल्टेज इन एनी डीसी सर्किट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस स्क्वायर डिवाइडेड बाय द पावर, तो ये भी रॉन्ग हुआ। इसका चौथा ऑप्शन है सम ऑफ द वोल्टेज गोइंग अराउंड एनी ब्रांच इन डीसी सर्किट इज इक्वल टू जीरो, यह भी हमने बताया कि सम जो होता है वोल्टेज का वो जीरो होता है। अब यहाँ हम एक और समझ लेते हैं किरचॉफ करंट लॉ। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि सम ऑफ द करंट जो मीट करती है जंक्शन पे वो इक्वल टू होती है जीरो। सम ऑफ द करंट जो मीट करती है जंक्शन पे वो इक्वल टू होती है जीरो। जैसे करंट, इसका एग्जांपल दे देते हैं, एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लिविंग एट ए जंक्शन। जैसे मान लो ये एक जंक्शन है, इसमें I1 और I2 ये इंटर कर रहा है और I3 और I4 ये लीव कर रहा है, तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये जो किरचॉफ करंट लॉ होता है ये बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक स्पेसीज, ये पूछ रहा है इसमें से कौन सी पैरामैग्नेटिक स्पेसीज है। अब हम पैरामैग्नेटिक स्पेसीज की डेफिनेशन जानते हैं। पैरामैग्नेटिक का मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो, इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। और जो डायामैग्नेटिक होती हैं वो कौन सी स्पेसीज होती हैं, अगर ऑल इलेक्ट्रॉन आर पेयर्ड या इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक। चूंकि हमसे पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम, इसे कहते हैं पैरामैग्नेटिक। अब हम देख लेते हैं सीएन में कितने इलेक्ट्रॉन है। चूंकि सीएन कार्बन के आउटर में हम जानते हैं 4 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन के 5, अब इस तरह से इसमें हो गए 9 इलेक्ट्रॉन, तो ये एक तरीके की पैरामैग्नेटिक स्पेसीज है क्योंकि इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं या इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक पाया जाएगा। दूसरा ऑप्शन है सीओ, कार्बन के आउटर में हम जानते हैं 4 होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर में 6 होते हैं, तो टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हुए। 10 इलेक्ट्रॉन मतलब ये डायामैग्नेटिक है, इसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और या हम कह सकते हैं सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं। ओ टू माइनस, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के आउटर में 6 होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन है, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12, एक नेगेटिव का है तो इसमें 13 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी है एक पैरामैग्नेटिक स्पेसीज। अगला ऑप्शन एनओ प्लस, एनओ प्लस का मतलब एन के आउटर में जो होते हैं वो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें एक एनओ प्लस है। चूंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन द नाइट्रोजन से, इसलिए जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे होगा, मतलब नाइट्रोजन अपना एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। हमने अभी बताया कि इसके आउटर में होते हैं 5, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद इसमें 4 बचेगा। ऑक्सीजन में हम जानते हैं 6 इलेक्ट्रॉन आउटर में होते हैं, तो
टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 10, 10 का मतलब हो गया इवन नंबर, ये हो गया डायमैग्नेटिक स्पेसीज। चूंकि दोस्तों ये पैरामैग्नेटिक स्पेसीज पूछ रहा है तो इसमें दो ऑप्शन करेक्ट हुए। ये क्वेश्चन में आंसर रॉन्ग दे रहा है, इसमें केवल ओ टू माइनस दे रहा है पैरामैग्नेटिक स्पेसीज, बट इसमें दो पैरामैग्नेटिक स्पेसीज हैं ओ टू माइनस या सी एन। हमारा अगला क्वेश्चन है इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस उसे क्या कहते हैं। जो इम्प्योरिटीज होती है एसोसिएटेड होती है मिनरल से, वो यूज होती है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, इसे हम कहते हैं गैग या मैट्रिक्स। जो फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड होता है वो यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग द गैग फ्रॉम सल्फाइड, और फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड जो होता है वो यूज किया जाता है फॉर रिमूविंग द गैग फ्रॉम सल्फाइड। और अब हम जान लेते हैं कि ये स्लैग क्या होता है। स्लैग का मतलब होता है वेस्ट मैटर जो सेपरेटेड होता है फ्रॉम द मेटल ड्यूरिंग स्मेल्टिंग या अदर मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा, उसे स्लैग कहते हैं। मतलब स्लैग का मतलब हो गया वेस्ट मैटर जो सेपरेटेड होते हैं फ्रॉम द मेटल या अदर मेटलर्जिकल प्रोसेस के द्वारा ड्यूरिंग द स्लैग एंड अदर मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो स्लैग तो हो नहीं सकता है। फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब हम जान लेते हैं, ये रिमूव करता है इम्प्योरिटीज सच एज स्लैग इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, तो ये भी रॉन्ग है। गैग का मतलब अभी हमने बताया, गैग का मतलब होता है इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद मिनरल यूज इन मेटलर्जी आलकाल कलेक्टिवली गैग, या मैट्रिक्स भी इसको हम बोलते हैं। और क्या होता है, और जो होता है वो कंटेन करता है हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटेलिक या नॉन मेटेलिक सब रिसोर्सेस को, या नॉन मेटेलिक रिसोर्सेस को ये एक्सट्रैक्ट होता है फ्रॉम अर्थ बाया माइनिंग। तो हम गैग का मतलब समझ चुके हैं, इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद मिनरल यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस आर कॉल्ड कलेक्टिवली गैग या मैट्रिक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है इफ ऑल द टी आर एन ए विद इन द सेल इज सडनली डिस्ट्रॉय, ये कह रहा है अगर सारे टी आर एन ए जो सेल के अंदर है सडनली डिस्ट्रॉय हो जाए तो क्या अफेक्ट पड़ेगा, किस चीज पे वो डायरेक्टली या इमिडिएटली अफेक्टेड। चूंकि हम जानते हैं जो आर एन ए होता है वो प्रेजेंट होता है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और ये भी हम जानते हैं ये आर एन ए जो होता है वो तीन टाइप का होता है mRNA, rRNA और tRNA। चूंकि ये जो mRNA होता है ये ट्रांसफर करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द DNA, और जो rRNA होता है ये बनाता है 50-60% पार्ट ऑफ द राइबोसोम, और जो ये tRNA होता है ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है थ्रू mRNA। चूंकि हम जानते हैं कि DNA से mRNA का बनना इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, अगर यही प्रोसेस mRNA से DNA बन जाए तो इसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से tRNA बनने को कहते हैं ट्रांसलेशन। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑल द tRNA विद इन द सेल इज सडनली डिस्ट्रॉय तो वुड बी डायरेक्टली आर इमीडिएटली अफेक्टेड, तो ट्रांसलेशन डायरेक्टली या इमीडिएटली अफेक्ट होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है ये कह रहा है बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन को हम कैसे अलग करेंगे। इसके पिछली वाली क्लास में हमने बताया था आइडोफॉर्म टेस्ट को हमने बताया था कि ये डिस्टिंग्विश करता है अल्कोहल और कीटोन को।
और ये भी बताया था कौन से ग्रुप पाए जाए जो एल्कोहल और कीटोन में कि वो आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे। एल्कोहल के लिए होना चाहिए CH3CHOH, इसके साथ जी ग्रुप लगा हो। ये CH3CHOH जिसमें पाया जाएगा वो कंपाउंड जो है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। कीटोन में CH3CO इसके साथ जी ग्रुप, जो जिसमें CH3CO ग्रुप पाया जाएगा वो कीटोन में वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ये हैलोजन की प्रेजेंस में है अल्कलाइन मीडियम में, ये प्रेसिपिटेट करेगा CHX3 का, ये एलो प्रेसिपिटेट करेगा और बनाएगा ऑक्सीलेट, इसके साथ साथ ये ग्रुप लगा होगा। अब हम बेंजल डिहाइड और एसीटोन का स्ट्रक्चर देखते हैं। C6H5 ये CHO, ये बेंजल डिहाइड हो गया, तो इसमें ऐसा कोई भी ग्रुप पाया नहीं जा रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं C6H5COH, बट हमने अभी बताया ये होना चाहिए CH3COH, तो मतलब ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। और एसीटोन का फार्मूला होता है ये, तो इसमें ये वाला फंक्शनल ग्रुप CH3COCH3, मतलब एसीटोन जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो इसको हम अलग कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट द्वारा। हमारा अगला क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ऑफ द अर्थ नियर सरफेस, ये दे रहा है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक पिज्जा है, उसका मास 3 kg है और ड्रॉप कर रहा है फ्रॉम द ग्रेट हाइट, तो पूछ रहा है हाउ फार विल पिज्जा फॉल इन 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड में ये पिज्जा कितने डिस्टेंस कवर करेगा। हमें पिज्जा का मास दिया हुआ है 3 kg और एक्सीलरेशन ग्रेविटेशनल का 9.81 इंटू मीटर मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम दिया है 2 सेकंड, तो ये पूछ रहा है कि 2 सेकंड में ये कितने डिस्टेंस कवर करेगा। चूंकि ये पिज्जा जो है ये फ्रीली फॉल कर रहा है, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी को छोड़ के, एक्सेप्ट ग्रेविटी, फ्रीली फॉल कर रहा है तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है ग्रेविटी को छोड़ के, इसलिए हम कहेंगे S = ut + ½ gt². चूंकि पिज्जा फ्रीली फॉल कर रहा है तो यू जीरो है और टाइम इसमें 2 सेकंड दे रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है वैन इलेक्ट्रॉन फ्लो अलोंग द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, विच ऑफ फॉलोइंग चेन्स अकर्स। चूंकि हम जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और ट्रांसपोर्ट करती है इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADH एंड FADH से, फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। मतलब जो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वो प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया में और ट्रांसफर करती है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर NADH एंड FADH से, फ्रॉम इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया टू इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स। तो इस तरह से जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोनियम आयन है वो इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स में इंक्रीज कर जाता है। इस वजह से pH जो होता है वो इंटर मेम्ब्रेन मैट्रिक्स का वो डिक्रीज हो जाता है क्योंकि H+ आयन इंक्रीज हो रहा है। चूंकि हम जानते हैं कि जो ATP synthetase complex होता है वो प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में और ये ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोनियम आयन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है। दो हाइड्रोनियम आयन ट्रांसपोर्ट होते हैं तो एक ATP प्रोड्यूस होता है। इस तरह ATP सिंथेटेज जो पंप होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है H+ आयन को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है।
तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन NADH प्लस ऑक्सीडाइज, ये रॉन्ग हुआ। दूसरा pH ऑफ द मैट्रिक्स इंक्रीज करता है, ये भी रॉन्ग। अभी हमने बताया जो pH होता है वो मैट्रिक्स का वो डिक्रीज कर जाता है। इलेक्ट्रॉन गेन फ्री एनर्जी, ये भी रॉन्ग है। चौथा ऑप्शन है ATP सिंथेटिस पंप प्रोटॉन बाई एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हुआ। ATP जो सिंथेटिस पंप वो ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोनियम आयन को अगेनेस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, इसलिए इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच बोन इज नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ह्यूमन। अब इसमें हमको ये बताना है कि कौन सी बोन, मतलब मेल और फीमेल में वो दोनों बोन डिफर करनी चाहिए तभी ये सेक्स डिफरेंशिएशन में मदद करेगी। जो मेल का स्कल होता है, मेल का जो स्कल होता है वो हैवियर होता है, थिकर होता है, और जो फीमेल का स्कल होता है वो स्मॉलर होता है देन द मेल। तो इस तरह से जो स्कल होता है ये हेल्प करता है डिफरेंशिएशन में। फीमर बोन तीसरा ऑप्शन है इसका। फीमर बोन, जो फीमर बोन होता है वुमेन में, फीमेल में जो होता है ग्रेटर हिप विथ होती है, इसलिए ये पोजीशन ऑफ द फीमर को इन्फ्लुएंस करता है, तो ये भी सेक्स डिफरेंशिएशन में मदद करेगा। जो पेल्विक बोन होती है फीमेल में, वाइडर पेल्विस होती है जो नेसेसरी होती है फॉर चाइल्ड बर्थ, तो इस तरह से पेल्विस भी सेक्स डिफरेंशिएशन में मदद करता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है विच बोन नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग, ये पूछ रहा है नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ह्यूमन, तो इसका ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ, वर्टिब्रा नॉट हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द ह्यूमन। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर्स ड्यूरिंग द माइटोसिस, पूछ रहा है माइटोसिस के दौरान कौन सी प्रोसेस नहीं होती है। चूंकि हम जानते हैं माइटोसिस के अंतर्गत चार फेजेस आती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, तो हम जानते हैं प्रोफेज में होता क्या है। प्रोफेज में ये जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होके ये क्रोमोसोम बनाता है, सेंट्रियोल जो होते हैं नियर न्यूक्लियस वो सेपरेट हो जाते हैं और मूव कर जाते हैं अपोजिट पोल ऑफ द सेल पे। चूंकि सेंट्रियोल मूव कर गए हैं तो स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, इतनी प्रोसेस होती है प्रोफेज में। अब मेटाफेज में क्या होता है, चूंकि स्पिंडल फाइबर स्टार्ट हो गए थे बनना प्रोफेज में, तो ये जो स्पिंडल फाइबर हैं वो अटैच करेंगे सेंट्रोमियर ऑफ ईच पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड से अटैच हो जाएंगे मेटाफेज में। और एनाफेज में क्या होगा, एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स वो सेपरेट हो जाएंगे एंड सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा, सेंट्रोमियर डिवाइड हो जाएगा। टीलोफेज में क्या होगा, क्रोमोसोम जो होगा वो अपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा और स्टार्ट हो जाएगा बिगन टू डिकंडेंस और रिलैक्स होके क्रोमेटिन कॉन्फिग्रेशन वही दोबारा बना देगा। अब ये हमारा पहला ऑप्शन है क्रॉसिंग ओवर द डीएनए, क्रॉसिंग ओवर ऑफ द डीएनए ये होता है प्रोफेज स्टेज मियोसिस फर्स्ट के पेकाइटिन, मियोसिस फर्स्ट में होता है इसके भी पेकाइटिन स्टेज में, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ, ये नहीं होता है माइटोसिस में, ये स्टेज मियोसिस फर्स्ट में होती है, मियोसिस फर्स्ट में भी प्रोफेज स्टेज में इसके अंतर्गत आता है, पेकाइटिन स्टेज इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। और जो ये कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, अभी हमने बताया क्रोमेटिन कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं, और स्पिंडल फॉर्मेशन अभी बताया, ये दोनों होते हैं प्रोफेज स्टेज
ऑफ माइटोसिस में, और सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड, अभी हमने बताया कि ये सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं एनाफेज में। तो ये तीनों नीचे के ऑप्शन ये माइटोसिस में होते हैं, जो लेकिन क्रॉसिंग ओवर ऑफ द डीएनए ये मियोसिस में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज ए फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इन ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप प्रोड्यूस तो और ऑल द अदर फैक्टर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो मैग्निफिकेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था जो मैग्निफिकेशन होता है माइक्रोस्कोप का, इसका फार्मूला होता है मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्यूब इट टू लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन। इसको ह्यूमन आई के लिए हम 25 सेंटीमीटर लेते हैं अपन एफ ओ इंटू एफ ई। चूंकि ये कह रहा है कि ये तीनों कॉन्स्टेंट हैं, तो एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एफ ओ के, और ये बोल रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस वो घट रहा है तो मैग्निफिकेशन विल इंक्रीजेस, तो इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हुआ मैग्निफिकेशन इंक्रीज। तो इसी प्रकार दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।